हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम JLPT N5 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ाई कर ली है तो वोकैबुलरी और ग्रामर के हमने चैप्टर 1 से 5 तक पढ़ लिया है, और भी काफ़ी रैंडम वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें कि आपको कितना समझ आ गया है और कितना आपने सीख लिया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला में क्या कह रहा है कि वाताशिवा मैं KMC, KMC कोई कंपनी है, KMC काइशा, KMC काइशा, काइशा यानी कंपनी। तो मैं KMC कंपनी डैश शाइन दिस एम्प्लॉय हूँ। मैं KMC कंपनी डैश शाइन हूँ, एम्प्लॉय हूँ। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। वाह, वाह यानी कि वाह का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा पार्टिकल है जो सब्जेक्ट के साथ लगता है, जिसके बारे में हम बात करनी शुरू करने लगे हैं उसके साथ होता है। तो आप देख रहे हो कि मेरे बारे में यहाँ बात हो रही है, सब्जेक्ट के साथ ऑलरेडी यहाँ पे वाह लग चुका है। तो वाताशी वाह यहाँ पर लग चुका है, तो यहाँ पर बीच में इस वाह की कोई सेंस नहीं बन रही, तो वाह ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। नो, नो हमने पढ़ा था बिलोंगिंग के लिए यूज़ होता है, और नो का मतलब होता है का, के या की। तो मैं KMC कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, सेंस बन रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, बी। वाताशिवा KMC काइशा नो शाइन दिस, मैं KMC कंपनी का शाइन हूँ। आगे भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन था यहाँ पर मो, मो, मो का मतलब आपको पता है हिंदी में भी होता है। तो यहाँ पे कोई तुक नहीं बन रही कि मैं KMC कंपनी भी एम्प्लॉय हूँ, कोई सेंस नहीं है। और लास्ट में है ओ, ओ आपको पता है कहाँ यूज़ होता है, नाउन ओ और वर्ब, यानी कि कुछ ऐसा बोलना हो कि मैं फ्रूट खाऊंगा तो बीच में ओ लगता है, या पानी पीऊंगा। यहाँ पर ऐसा कुछ वर्ब वाली चीज़ नहीं आ रही है, तो इसलिए ओ ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी, वाताशिवा KMC काइशा नो शाइन दिस। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर किनसानवा, किनसान की बात हो रही है, किनसानवा गक्से दिस, गक्से दिस, स्टूडेंट हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कांजी लिखी हुई है, तो आप यहाँ से ये भी ध्यान रख लें कि गक्से की कांजी भी N5 में आपसे पूछी जा सकती है। तो गक्से, ये तो आपका हीरा गाना में हो गया, और इसको कांजी में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, गक्से। तो किनसानवा गक्से दिस, किनसान जो हैं वो स्टूडेंट हैं। आगे क्या कह रहे हैं, शिनसान डैश गक्से दिस, शिनसान डैश गक्से दिस। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मो। तो अभी हमने देखा कि मो का मतलब होता है भी, तो यहाँ पर सेंस बन रही है किनसान व, किनसान स्टूडेंट हैं, शिनसान भी स्टूडेंट हैं, सेंस बन रही है। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए, किनसान व गक्से दिस, शिनसान मो गक्से दिस, ठीक है ना। और फिर भी हम अगले ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से वो कह रहा है वा, बी ऑप्शन है वा, किनसान वा गक्से दिस। ऑलरेडी फर्स्ट टाइम में वो बता चुका है कि किनसान स्टूडेंट हैं, और शिनसान दोबारा से हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जब दोनों ही स्टूडेंट हैं तो भी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इधर। नेक्स्ट ऑप्शन है गा, गा भी नहीं होगा, गा की भी कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। और फाइनली है नो, यहाँ पर का के की होता है, तो शिनसान का स्टूडेंट है या शिनसान की स्टूडेंट है, ऐसा भी कोई तुक नहीं बन रही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मो। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाताशिनो काबानवा, वाताशिनो काबानवा मतलब नो यहाँ पर आ रहा है, मेरा खबान, मेरा बैग जो है, वा, वा पार्टिकल है, यानी कबान के बारे में बात होने वाली है, जिसके साथ लगता है उसके बारे में बात होती है। तो मेरा बैग जो है वो डैश दिस का, डैश दिस का, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है का पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे आपको ये पता चलता है ये क्वेश्चन है, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं होता जापनीज में, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ये का पीछे लगा, इसका मतलब है कि क्वेश्चन सेंटेंस है। तो मेरा बैग जो है वो डैश दिस का, अब क्या पूछना चाह रहा है वो, पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दारे, दारे का मतलब क्या होता है, कौन, हु। तो अब देखते हैं कि क्या सेंस बन रही है, कि मेरा बैग दारे दिस का कौन है,
कोई सेंस बन रही है? नहीं. मेरा बैग कौन है? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं लग रहा. ऑप्शन बी, मेरा बैग जो है वो नान दिस का. नान का मतलब आपको पता है क्या होता है? वॉट. मेरा बैग जो है क्या है, इसकी भी कोई सेंस नहीं लग रही. ऑप्शन सी है, मेरा बैग जो है वो दोको दिस का. दोको का मतलब आपको पता है वेयर होता है, कहाँ. तो मेरा बैग कहाँ है, हाँ इसकी सेंस लग रही है. तो एक लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं. डी ऑप्शन है इत्सु. इत्सु का मतलब होता है वेन, कब. तो मेरा बैग कब है, इसकी भी कोई सेंस नहीं लग रही. तो चारों में से क्या आंसर ठीक हुआ? ऑप्शन सी, वाताशी नो खाबान वा, मेरा बैग जो है दोको देस का, कहाँ पर है. तो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट पे चलते हैं. ये फोर्थ में क्या कह रहा है? माइट्स की. माइट्स की मतलब एवरी. माई का मतलब क्या है? एवरी. और स्की का मतलब होता है मंथ. तो एवरी मंथ होन ओ होन, यहाँ पर होन लिखा है कांजी में. ये भी JLPT N5 की कांजी है, आपको याद करनी है. होन का मतलब होता है बुक, बुक. और इसकी कांजी कुछ ऐसी होती है लाइक दिस. तो माइट्स की एवरी मंथ होन ओ बुक ओ योमी मास. बुक ओ योमी मास तो ठीक है कि बुक पढ़ता हूँ, बट बीच में वो ये भी कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर वो कह रहा है सांदाई सामाई, मतलब कि तीन तीन के बारे में बात हो रही है कि एवरी मंथ होन ओ कुछ कुछ डैश योमी मास, मतलब तीन बुक्स पढ़ता हूँ, ये कहना चाह रहा है वो. अब हमें यहाँ पर काउंटर से पहचानना है कि बुक के लिए कौन सा काउंटर यूज होता है. सान का मतलब तो हो गया थ्री, तो ये हमें समझ आ रहा है तीन बुक्स की बात हो रही है, बट बुक्स के लिए कौन सा काउंटर लगता है हमें वो ध्यान रखना है. तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें से, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. तो इसका आंसर होना चाहिए सान सात सौ काउंटर लगता है. हमने ये पढ़ा था बुक्स के लिए. पहला देखते हैं सानदाई. दाई लगता है कार्स के लिए, मशीन्स के लिए, हैवी मशीन्स के लिए. तो तीन कार्स अगर बोलना है, थ्री कार्स, तो सानदाई बोलेंगे. सान माई, माई कब लगता है? माई लगता है थिन, जैसे पेजेस के लिए, नोट्स के लिए, थिन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे करेंसी नोट्स हो गए, राइट. तो माई तब लगता है. तो तीन नोट्स बोलने हैं, थ्री नोट्स बोलने हैं, तो साम माई बोलेंगे. सान सात सू ये बुक्स के लिए यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है. काउंटर है. और सान बोन तो ये सिलेंड्रिकल चीज़ों के लिए होन बोन पोन ऐसे यूज़ होता है. तो जैसे कि आपकी पेंसिल हो गई, आपके पेन हो गया, कोई रॉड हो गई, तो ऐसे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए बोन लगता है. तो यहाँ पर बुक की बात हो रही है. माइट्स की एवरी मंथ होन ओ बुक जो है तीन पढ़ता हूँ, इस तरीके से बोला जाता है. वैसे हिंदी में हम बोलते हैं तीन बुक पढ़ता हूँ, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जापानीज में बुक तीन पढ़ता हूँ, इस तरीके से बोला जाता है. होन ओ सान सात्सु योमी मास. आगे चलते हैं. तो ए सान यहाँ पे कहते हैं, कोई भी ए सान है वो कहते हैं कोरेवा डैश नो होन दिस का. कोरेवा ये जो है डैश नो होन दिस का, डैश नो बुक दिस का. फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, यहाँ से ये समझ आ रहा होगा. तो यह है डैश नो होन, मतलब यहाँ पे काके की बात हो रही है. तो कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं किसकी बुक है, कुछ ऐसा पूछने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि की काके की आ रहा है ना, ये नो पार्टिकल से आप पहचान सकते हैं. तो बी सान कह रहा है कंप्यूटर नो होन दिस, कंप्यूटर की बुक है. तो अब यहाँ पर आपको देखना है ऑप्शन में से. तो अब ए ऑप्शन है दारे. दारे का मतलब आपको पता है हु होता है, अभी हमने देखा. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोरेवा दारे नो होन दिस का, ये भी गलत नहीं लगेगा अगर आप सिर्फ पहला सेंटेंस देखते हैं तो, कि कोरेवा दारे नो होन दिस का, यह बुक किसकी है. तो ये गलत नहीं लगेगा आपको कि आप पूछ रहे हो कि किसकी बुक है. बट जैसे ही अगर आप बी सान का आंसर पढ़ते हो कि कंप्यूटर नो होन दिस, तो किसी इंसान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बताया जा रहा है कि वो किस चीज़ की बुक है, मतलब उसमें कंटेंट्स क्या है, किस बारे में है वो बुक. तो यहाँ पर दारे का ऑप्शन इसलिए कैंसल आउट हो जाता है. अगर सिर्फ पहला आप पढ़ेंगे कि कोरेवा डैश नो होन दिस का, तो दारे नो होन दिस का भी आपको गलत नहीं लगेगा.
इसलिए आपको पूरा कन्वर्सेशन पढ़नी जरूरी है। अगला चलते हैं बी ऑप्शन में, नान। नान होता है वॉट, वॉट या क्या या किस चीज़ की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोरे वो नान न हों का वॉट, किस चीज़ की, क्या क्या बुक है, किस चीज़ की बुक है ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर अप्रोप्रिएट क्या यहाँ पर लगता है हमें, ऑप्शन बी लगता है। नान न हों का ऐसे पूछा जाता है अगर आंसर है उसका कुछ ऐसा कि कंप्यूटर न हों, कंप्यूटर की बुक है, तो किस चीज़ की बुक है, नान न हों का। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, वेयर, दो को है ना, वेयर, कहाँ की बुक है, कहाँ की बुक है भी ठीक है पूछ सकते हैं, दो को नो होम दिस का, बट फिर वही बी सान का आंसर पढ़ते हैं तो हमारा ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। फाइनली दोरे नो होम दिस का, ऑप्शन डी में पूछ रहा है दोरे नो होम दिस का। तो दोरे हमने पढ़ा था विच होता है, बट दोरे नो होम इस तरीके से पूछा नहीं जाता, क्योंकि जब हमें पूछना होता है कि किस चीज़ की है या बाद में नाउन आना होता है विच के बाद, तो हमने पढ़ा था दोनों हो जाता है वो, तो दोरे नो तो वैसे भी कुछ नहीं होता, दोरे नो नहीं बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, यानी कि विच बुक, तो ये दोरे नो तो वैसे भी कोई वर्ड नहीं है, तो विच बुक अगर पूछना हो तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर है कोरेवा नान नो होन दिस का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में कह रहे हैं माई आसा, माई वही अभी मैंने आपको बताया माई का क्या मतलब होता है, एवरी, एवरी आसा, एवरी मॉर्निंग माई आसा रोकुजी। अब यहाँ पर फिर एक और कांजी हम सीख रहे हैं, जी टाइम के लिए यूज होता है आपको पता है, जी इसकी कांजी है, ये कुछ ऐसे बनती है, आपको याद करनी है JLPT N5 के हिसाब से। तो माई आसा एवरी मॉर्निंग रोकुजी 6 बजे सुबह ओकीमास उठता हूँ। तो माई आसा रोकुजी - ओकीमास। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, याद किया हुआ है हमने कि टाइम, इस टाइम पे कुछ कुछ करता हूँ, इसमें हमें पता है कि क्या होना चाहिए आंसर चारों में से, टाइम कुछ कुछ, इस टाइम पे कुछ कुछ करता हूँ के लिए सेट पार्टिकल होता है हमने सीखा था, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी नी, माई आसा रोकू जी नी ओकीमास। किसी भी टाइम पे आप कुछ भी करते हो तो टाइम के साथ में नी लगाते हैं, उस टाइम पे किया है, ठीक है। तो माई आसा रोकू जी नी ओकीमास, ये आपको एज इट इज याद करना है, आप एकदम देख के आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पर एसान कह रहे हैं ओतो तोई का मतलब परसों, ओतो तोई बेंक्यो पढ़ाई शिमाश्ता का की थी क्या, ओतो तोई बेंक्यो शिमाश्ता का परसों पढ़ाई की थी क्या। तो बीसान कहते हैं ई ए, आपको बीसान का आंसर पढ़ना बहुत ज़रूरी है तभी आप आंसर कर पाएंगे चारों ऑप्शंस में से। तो बी सान कह रहे हैं ई ए नहीं बेंक्यो, अब आगे डैश, तो अब आपको ई ए से ये तो श्योर हो गया कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव बनेगा सेंटेंस ये, क्योंकि उसने बोल दिया नहीं पढ़ाई नहीं की थी। तो नहीं वाले के लिए हमें पता है कि शिमासेन हो जाता है, शिमासेन, शिमास नहीं रहता है, तो डी ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, शिमास तो होगा नहीं। उसके अलावा ऑप्शन सी भी पॉजिटिव है, शिमाश्ता पास्ट के लिए पॉजिटिव है, यानी कि किया था बोलते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो नेगेटिव वाले दो ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास, शिमासेन और शिमासेन देशता। तो शिमासेन यानी कि नहीं करता हूँ या नहीं करूँगा, और पास्ट नेगेटिव अगर हमें बोलना है कि नहीं किया था तो शिमासेन देशता होता है। तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं कि ई ए नहीं बेंक्यो शिमासेन देशता, तो आंसर क्या हो गया आपका इसमें, बी इज द राइट आंसर, शिमासेन देशता, कि मैंने परसों पढ़ाई नहीं की थी, और नहीं करता हूं या नहीं करूंगा के लिए सिर्फ शिमासेन होता है, ये आपको पता है। आगे चले तो नेक्स्ट है आश्ता व आश्ता, यानी कि कल, टुमोरो
के बारे में बात होने लगी है, वह पार्टिकल आ गया है। तो कल गोवा, गोवा काताकाना में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये फॉरेन वर्ड है। फॉरेन वर्ड है इसलिए गोवा काताकाना में लिखा है। तो आश्तावा गोवा, गोवा डैश इकीमास, इकीमास कांजी लिखी हुई है ये इकीमास की, तो ये भी आपको याद कर लेनी है कि इकीमास हिरागाना में ऐसे लिखते हैं और कांजी में आगे ई ये होता है, पीछे कीमास वैसे ही आ जाता है, राइट? तो आश्तावा गोवा डैश इकीमास, तो ये भी आप बहुत इजीली बता पाएंगे। मैंने आपको डायरेक्शंस वाली वीडियो में बताया था कि कोई भी डायरेक्शन है, कि कोई भी प्लेस है, कि हमें वहाँ वहाँ जाना है, डैश जाना आना, इस वर्ब में क्या क्या होता है, जाना, गो, आना, लौट जाना, ये तीन वर्ब्स ऐसी होती हैं कि प्लेस डैश वर्ब जब आए तो यहाँ पे फिक्स होता है कि हमें पार्टिकल लगाना होता है, पार्टिकल ए। तो हमारा इसमें से क्या आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए। आश्तावा गोवा ए इकीमास, तो कहाँ कहीं भी आपको जाना है और जाने के लिए इकीमास, आने के लिए किमास और वापस लौटने के लिए कहरीमास। तो डायरेक्शन के वो जहाँ जाना है आपको उस प्लेस के बाद ए लगता है, तो ये आपको एज इट इज़ याद करना है, ये वाला ग्रामर पैटर्न है। आगे चलें, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्यों, फिर कांजी लिखी हुई है यहाँ पर, ये क्यों, टुडे आज, डैश डे किमाश्ता, आज डैश से आया हूँ, आया था या आया हूँ। तो ऑप्शन पहला देखते हैं, ऑप्शन ए है ईए, हाउस, घर से। अगर घर से आया हूँ तो अभी अभी जस्ट हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि घर से आया हूँ, तो घर से आया हूँ बोलता तो ईए ए की माश्ता होना चाहिए था, राइट? ईए ए की माश्ता, घर से आया हूँ, जहाँ से आ रहे होते हैं वहाँ डायरेक्शन दिखाने के लिए ए यूज़ होता है, तो यहाँ तो दे लिखा हुआ है, तो ईए वाला ऑप्शन तो गलत है, कि आज घर से आया हूँ वाला सेंस तो नहीं है। आगे देखते हैं, क्यों रोकुजी दे किमाश्ता, आज 6 बजे आया हूँ। तो अगर ये ऐसा भी बोलना चाह रहा है कि मैं 6 o'clock आया हूँ, तो आपने जस्ट अभी पहले देखा कि जब टाइम होता है और टाइम पे कोई काम किया जाता है तो टाइम के साथ हमेशा नी पार्टिकल लगता है, पर यहाँ पे तो दे लगा हुआ है, तो टाइम भी नहीं होगा कि 6 बजे आया हूँ, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। आगे देखते हैं ऑप्शन सी, ताकुशी, ताकुशी टैक्सी दे, आज टैक्सी से आया हूँ। तो टैक्सी से आया हूँ, तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी मीडियम या मीन्स से कोई काम करते हैं, वर्ब कोई काम करते हैं, जैसे पेंसिल से लिखूँगा या टैक्सी से आया हूँ, तो वहाँ पर दे यूज़ होता है, अगर आपको याद हो तो, मीडियम बताने के लिए। तो क्यों आज ताकुशी दे की माश्ता, टैक्सी से आया हूँ, तो ये कुछ ठीक लग रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो सी हो गया, ताकुशी दे की माश्ता। और लास्ट में फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं कि क्यों आज तोमोदाची दे की माश्ता, तोमोदाची फ्रेंड, फ्रेंड से आया हूँ, या फ्रेंड उसकी भी कोई तुक नहीं बन रही है, सेंस नहीं है, बट फिर भी बोलना चाह रही हो कि फ्रेंड के साथ आया हूँ, तो यहाँ पर अगर लिखा होता दे की जगह तो लिखा होता, अगर यहाँ पे तो का मतलब होता है विद, तो यहाँ पर हम ऑप्शन करते डी कि आज फ्रेंड के साथ, तोमोदाची तो किमाश्ता, फ्रेंड के साथ आया हूँ, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मीडियम बोलने के लिए कि हम किसी चीज़ को यूज़ करके, ताकुशी दे किमाश्ता, टैक्सी से आया हूँ, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है सी। फाइनली देखते हैं 10th, ये कह रहा है ईए दे घर पे, घर पे ओंगाकू म्यूज़िक, म्यूजिक ओंगाकू ओ, ओंगाकू ओ, उसके बाद कोई वर्ब आनी चाहिए कि कोई भी हम काम करते हैं तो बीच में ओ आ जाता है, ये आपको पता है, तो ये आपका एक तरीके से वोकैबुलरी टेस्ट, वोकैबुलरी क्वेश्चन है कि आपको कितनी कितना वो याद है। तो म्यूजिक ओ मतलब म्यूजिक को सुनता हूँ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से, म्यूजिक को सुनना,
टू लिसन को जापनीज में क्या कहते हैं? खाइरी मास, किकी मास, खाकी मास, काई मास, कौन सा सही है इनमें से? तो आंसर इज ऑप्शन बी, किकी मास, टू लिसन। काइरी मास क्या होता है? टू रिटर्न, लौट जाना अपने घर, अपनी कंट्री, काइरी मास। किकी मास होता है टू लिसन। काकी मास होता है टू राइट, कुछ भी लिखना, काकी मास। और काई मास होता है टू बाय, कुछ खरीदना, टू बाय, काई मास। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, किकी मास। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, लगी है तो ज़रूर मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं। और अगर आज कुछ आपको नहीं समझ आया है तो वो भी कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।